हेलो बच्चों, आज हम क्लास 2 के लिए लेसन 3 लालच का फल पढ़ेंगे। लालच का फल हमें हमेशा बुरा होता है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कैसे एक औरत लालच के कारण फिर से गरीब बन गई। एक निर्धन स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। गरीबी के कारण उन्हें कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। एक गरीब औरत थी, वो अपने 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। गरीबी के कारण उन्हें कई बार भूखा रहना पड़ता था। यहाँ लड़की ने माँ से कहा, माँ बहुत भूख लग रही है। लड़के ने भी माँ से कहा, माँ क्या हमें आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। इस तरह कई बार उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था और वे भूखे ही रहते थे। एक दिन उनकी झोपड़ी के बाहर लगे पेड़ पर सुनहरे पंखों वाला एक हंस अचानक आकर बैठ गया। एक दिन उनकी झोपड़ी के बाहर जो पेड़ था उस पर एक सुनहरे पंखों वाला हंस आकर बैठ गया। माँ ने लड़के से कहा, अरे माँ उधर देखो। लड़के ने माँ से कहा, अरे माँ उधर देखो। उसकी माँ ने हंस को देखा और कहा, वाह। हंस बहुत प्यासा था, उसने पानी मांगा। बालिका ने उसे पानी पिलाया। हंस प्रसन्न हो गया। हंस बहुत प्यासा था, उसने पीने के लिए पानी मांगा। लड़की ने उसे पानी पिलाया। हंस खुश हो गया। खुश होकर हंस ने अपने सुनहरे पंखों में से एक पंख निकालकर उस लड़की को दे दिया और कहा, तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, यह पंख लो, इसे बेचकर तुम्हें बहुत धन मिलेगा। उसने पंख दिया और कहा कि इसे बेचकर तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। इसके बाद हंस प्रतिदिन झोपड़ी के पास आता और स्त्री को एक पंख दे जाता। इससे स्त्री काफ़ी धनी हो गई। लेकिन एक दिन स्त्री के मन में लालच आ गया। इसके बाद हंस रोज़ाना झोपड़ी के पास आकर उस औरत को एक पंख दे जाता था। इससे वह औरत बहुत अमीर बन गई। एक दिन उस औरत के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यदि हंस ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा। अगर हंस नहीं आया तो क्या होगा। इस बार जब हंस अपना पंख देने आया तो स्त्री ने उसे पकड़ लिया और उसके पंख उखाड़ने लगी। देखते ही देखते स्त्री ने हंस के सारे सुनहरे पंख उखाड़ डाले। अगली बार जब हंस अपना पंख देने आया तो उस लालची औरत ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे सुनहरे पंख उखाड़ डाले। हंस कराहते हुए कहा, आह नहीं नहीं सारे नहीं, रुको। हंस ने कराहते हुए कहा, पर यह क्या, सारे सुनहरे पंख सफ़ेद होकर इधर उधर उड़ने लगे। स्त्री ने यह देखा और कहा, ओह नहीं, ये पंख तो सफ़ेद हो गए, ये बदल कैसे गए। लालची औरत ने जो सुनहरे पंख उखाड़े थे वो सारे पंख सफ़ेद हो गए और इधर उधर उड़ने लगे। हंस ने रोते हुए गुस्से में कहा, यह तूने क्या किया। लालची स्त्री, तुझे मेरी इच्छा के बिना मेरे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। हंस ने रोते हुए गुस्से में कहा, लालची औरत तूने यह क्या किया, तुम्हें मेरी मर्जी के बिना मेरे सुनहरे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। शीघ्र ही हंस के नए पंख निकल आए, किंतु अब वे सफ़ेद थे। जल्दी ही
हंस के पंख निकल आए, लेकिन अब वे सुनहरे पंख नहीं थे, अब वे सफ़ेद थे। यह देखकर वह लालची औरत पछताने लगी कि मैंने यह क्या कर दिया, हे भगवान, यह मैंने क्या कर डाला। हंस ने कहा, यह तेरे लालच का फल है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। उसने उस लालची औरत से कहा कि यह तेरे लालच का फल है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपनी बात कहकर हंस उड़ गया। कुछ ही दिनों में लालची स्त्री का सारा धन खर्च हो गया और वह फिर से निर्धन हो गई। अब वह अपने बच्चों के साथ घर घर जाकर भीख मांगने को विवश थी। यह कहकर वह हंस उड़ गया और कुछ ही दिनों में उस लालची औरत का सारा धन पैसा खर्च हो गया और वह फिर से गरीब हो गई। और वह अपने बच्चों के साथ घर घर जाकर भीख मांगने को मजबूर हो गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इस कहानी को आप लोगों को पढ़ना है और इधर वर्ड मीनिंग शब्दार्थ दिया गया है, उसे आप लोगों को अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है। निर्धन, गरीब, पुअर, सुनहरे, सोने जैसे, गोल्डन, प्रसन्न, खुश, हैप्पी, प्रतिदिन, रोज़ाना, एवरीडे, धनी, अमीर, रिच, यदि का अर्थ होता है अगर, इफ, इच्छा, मर्जी, विल, शीघ्र, जल्दी, फास्ट, किंतु, लेकिन, बट, विवश, मजबूर, हेल्पलेस। ये शब्दार्थ है, इसे आपको हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है।